YouTube पे है हमसे, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करें, हम सब यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, बट प्रोडक्ट ट्रेनिंग जरूरी क्यों है? मैं हमेशा इस पे चीज बोलती हूँ, प्रोडक्ट हमारी बिजनेस का मेन जो वेपन है, हथियार है, वो प्रोडक्ट है। आप क्या चीज मार्केट में लेकर जा रहे हैं उसके बारे में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी आप बिजनेस में जाइए, कोई भी आप जॉब करते हैं, उसके पहले आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है। मार्केट में 25-30 हजार की जॉब के लिए 25 साल पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे अगर 2-10 हजार कमाना है तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज देनी पड़ेगी। और यहाँ पे नॉलेज आपको बस अपने प्रोडक्ट की लेनी है, कौन से प्रोडक्ट लेकर आप मार्केट में जा रहे हैं, उसमें क्या है, कैसे आप लोगों को उसके बारे में उसके बेस्ट फीचर्स बता सकते हैं, वो सारा कुछ आपको आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग से पता चलेगा। बात करें हमारी कंपनी, इसीलिए हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी हमारा एक एजुकेशन चैनल है। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के थ्रू हम लोगों को ट्रेन करते हैं बिजनेस के बारे में भी और प्रोडक्ट्स के बारे में भी, क्योंकि हार्वेस्ट मानता है जब हम लर्न करते हैं तो ही तो लाइफ में पैसा आता है। 25-30 साल पढ़ाई करते हैं तो जाके मार्केट में हमें 25-50 हजार की जॉब मिलती है। तो यहाँ पे हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी हमारी कंपनी इंडिया की फर्स्ट ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका अपना एक खुद का एजुकेशन चैनल है। हमारे एजुकेशन चैनल का नाम हम सबको पता है, जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। बात करें हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जो है वो आपके थ्रू ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेकर आई है, इसीलिए आप कंपनी से जितना जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। फेसबुक पे हमारा एक पेज है, इस पेज को लाइक करें। और कंपनी बहुत सारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती रहती है। हमारी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, बेसिकली हमारे कितने ब्रांड्स हैं इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दूंगी, क्योंकि आज हम बस अपने एक ही प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी कंपनी 6 ब्रांड्स के साथ इस FMCG मार्केट के अंदर उतरी है। अगर बात करें कौन से ब्रांड है, एलिमेंट्स वेलनेस जो आयुर्वेदा पे बेस्ड है, ऑन एंड ऑन में बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट हैं, आहार जो घर में जो हम मसाले यूज करते हैं उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी हमारी कंपनी लेकर आई है। मतलब हमारे पास 6 हाई क्वालिटी ब्रांड्स हैं और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी लेकर आई है। बात करें, मैं हमेशा एक क्वेश्चन लोगों से पूछती हूँ कि आज से 100 साल पहले की अगर बात करें तो इतनी बीमारियां नहीं देखी जाती थी, लोग हेल्दी लाइफ जीते थे। क्योंकि अगर बात करें, कारण बहुत सारे, उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, रेडिएशन नहीं हुआ करता था, इतनी ज्यादा ये सब दवाइयां वो लोग इतना नहीं खाते थे, प्योर एनवायरमेंट था, एयर पोल्यूशन नहीं था, इतना दूषित वातावरण नहीं था, कारण बहुत सारे थे। लेकिन आज जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, बीमारियों का जो रेट है वो भी बढ़ता दिख रहा है। बात करें, हमें हर सेकेंड हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा कीटाणु, आपको पता है जब आप सांस भी लेते हैं, जब आप कोई चीज छूते हैं, खाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, हर सेकेंड बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु हमारी बॉडी में जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में ना एक पूरा सिस्टम है जो बहुत सारी बीमारियों से हमें खुद को बचाता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, हिंदी में बात करें प्रतिरोधक क्षमता। हम सबकी बॉडी में एक सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें जब हमारी बॉडी पे हमला करती हैं, हमारी बॉडी के बहुत सारी कोशिका, सेल्स, बहुत सारी चीजें इसमें हेल्प करती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं हमारी बॉडी में 24/7 एक ऐसा डॉक्टर बैठा है जो हर वक्त आपकी बॉडी में जो भी कीटाणु घुस रहा है उसको मार रहा है। लेकिन जब हम अपने सिस्टम को ही कमजोर कर देते हैं तो जाके बीमारियां होती है। हमने इस बहुत सारे फैक्टर्स को बहुत बार देखा, बस आज मैं एक ब्रीफ करूंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस। अब अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है और ये भी आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। तो स्ट्रेस के ऊपर हमारी कंपनी का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको हम सब जानते हैं, फाइट स्ट्रेस, जो स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है। उसके बारे में भी हमने कुछ दिन पहले उसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। जब हम बाहर का खाते हैं ज्यादा तो हमें वो पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते, और जब पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते तो हमारे जो बॉडी में जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जो चीजें हैं, उनको अच्छा जब खाना नहीं मिलता तो अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसके लिए हमारी कंपनी स्पिरुलिना गोल्ड करके एक प्रोडक्ट लेकर आई है जो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके जो खाने में है उसको बढ़ाता है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है, अच्छा न्यूट्रिशन देता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। दवाइयों की, जब हम बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है हर वक्त कुछ ना कुछ दवाइयां खाते रहते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो दिन में 10-10, 12-12 ऐसे कैप्सूल्स और टैबलेट खाते हैं। याद रखिएगा, लंबे समय पे ऐसे मेडिसिन के बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है।
बहुत सारे लोग जो ज्यादा स्मोक करते हैं, ज्यादा सिगरेट पीते हैं, उनको आगे चलकर बहुत ज्यादा लंग्स कैंसर के चांसेस की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, जो उसके चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जो ब्रीदिंग, इन बहुत ज्यादा लोगों को आजकल ब्रीदिंग इश्यूज क्यों हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत पॉल्यूटेड एनवायरमेंट हो गया, आज का वातावरण बहुत ज्यादा दूषित हो गया है, खराब हो गया है, धुआं बहुत है, गाड़ियों का धुआं, ऐसे बहुत सारे कारण है। इसके हम ये भी हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। इस पे हम क्या लेकर आए हैं, आयुष श्वास, जो आपकी लंग्स के, आपके फेफड़ों की कैपेसिटी को अच्छा रखता है, उसको मजबूत करता है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आप रात में अच्छे से सो नहीं रहे, मैं हमेशा कहती हूँ सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रात में अच्छी नींद लेते हैं, आपका बॉडी अच्छे से बॉडी को डिटॉक्स कर पाता है, और जब आपका बॉडी अंदर से अच्छे से क्लीन होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से भी नींद नहीं आती है तो आप फाइट स्ट्रेस ले सकते हैं। नींद अगर आने की प्रॉब्लम है, नहीं आ रही है, तो आप रेम निद्रा करके प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं। आप ज्यादा एक्टिव नहीं है, आप ज्यादा पानी नहीं पी रहे, देखिए जब हम पानी नहीं पीते हैं तो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे कीटनाशक हम खाते हैं, बहुत मतलब हमारे खानों पे कीटनाशक छिड़के जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं, जो बॉडी में जाते हैं और अक्यूमुलेट कर जाते हैं, जमा कर जाते हैं। और यही जब सारी चीजें हमारी बॉडी में जमा होने लगती हैं तो बीमारियां करने लगती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को कम करने लगती हैं। 95 में आगे भी मैं बात करूंगी। आपको पता है हम दिन भर में इतने मोबाइल के रेडिएशन में रहते हैं कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल का रेडिएशन। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, अमेरिका में कुछ स्कूल्स के बाहर, छोटे बच्चों के स्कूल्स के बाहर कुछ मोबाइल के टावर्स लगवाए गए, तो देखा गया कुछ सालों के बाद बच्चों में कैंसर होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये मोबाइल के जो रेडिएशन है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, इसीलिए हम दिन भर तो मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, लेकिन रात में सोने के टाइम पे थोड़ा सा मोबाइल को अवॉइड करिए, उसको ऑफ करके रखिए। और ये सारी चीजें जब बॉडी में होती हैं तो बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जम जाते हैं, कि बहुत सारा ऐसा चीज जम जाता है जो बॉडी से अगर बाहर नहीं निकलेगा तो आपको छोटी से छोटी चेहरे पे पिंपल्स, दानों से लेकर, बहुत सारे लोगों के मुंह से बहुत स्मेल आती है कि उनके टंग पे बहुत सारी चीजें जम जाती है, उसमें कीटाणु होते हैं, तो बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जब बॉडी में जम जाता है तो बीमारियां होती हैं। इसलिए हमने दो दिन पहले हमने एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था जिसको हम कहते हैं डेली डिटॉक्स। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर बात करें तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, टॉक्सिन्स को कम करते हैं, और आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, उसको अच्छा रखने में मदद करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि दो चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को ले सकते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मुझे एक बात बताइए, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? बहुत लोगों का जवाब होगा जब हम बीमार होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जो बोलता है डॉक्टर इधर से ही जा रहा था, सोचा आपसे मिलकर दो चार इंजेक्शन लगवा लूं, ऐसा तो नहीं होता। हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब बीमार होते हैं तो दवाइयां खाते हैं। हम जिसमें काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रासिटिकल्स हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो हमें बीमार होने से पहले लेना है, मतलब हम वेलनेस पे काम कर रहे हैं। और बात करें, आयुर्वेद हमेशा एक चीज कहता है, दो काम कर सकते हैं, या तो बीमारियों को कम कर सकते हैं, या अपनी अपनी जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है उसको बढ़ा सकते हैं। अब बीमारियों से कम करना, तो बीमारियां कम करना तो पॉसिबल नहीं है, जैसा एग्जांपल मैंने कल भी लिया था, टेररिस्ट को कम करना, आतंकवादी को कम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ा देना, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देना, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ा देना, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए अगर बात करें हमारी कंपनी का जो ब्रांड है ऑन एंड ऑन, उसमें हमने बहुत सारे रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आज जो हम एक ऐसे ब्रांड के, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का, और ये हाई डिमांड पे इस ट्रेनिंग को फिर से किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं आज यूट्यूब के माध्यम से या जूम के माध्यम से, तो उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपको स्क्रीन पे रखना है। मैं हमेशा ट्रेनिंग में एक चीज पूछती हूँ कि 95 का नाम 95 क्यों रखा गया, तो अगर बात करें 95 का नाम 95 इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें 900,000 ओराक वैल्यू है। अब ये ओराक वैल्यू क्या है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, इसलिए इसका नाम 9E5 रखा गया। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, 9 के आगे 50, 900,000 ओराक वैल्यू वाला प्रोडक्ट है। अब 95 को समझना है तो आपको दो चीजें समझनी होंगी, एक हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और दूसरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस।
अब जो लोग नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के हैं ना, उनको ये दो वर्ड सुनकर थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं बहुत आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। आप बस दो ये वर्ड समझने की कोशिश करिएगा, फ्री रेडिकल्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारी जो बॉडी है ना, वो बहुत सारी चीजों को मिलाकर बनती है। जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसपे बहुत सारे ईंटें ब्रिक्स को जोड़ते जाते हैं, सीमेंट लगाते जाते हैं, तो एक रूम बनता है, किचन बनता है, फिर पूरी बिल्डिंग बन जाती है। मतलब एक घर में जैसे एक ईंटा एक सबसे छोटी चीज होती है, हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी चीज होती है उसको हम एटम कहते हैं। बहुत सारे एटम मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो एक सेल कोशिका बनती है, बहुत सारी कोशिका एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू जुड़ जाते हैं, आपका लिवर बनता है, किडनी बनता है, पेनक्रियास बनता है, ये सब जुड़ जाता है तो एक पूरा सिस्टम बनता है, और सब जब जुड़ जाते हैं तो आपका पूरा शरीर बनता है। मतलब हमारा जो पूरा शरीर है ना, वो लाखों करोड़ों अरबों एटम से मिलकर बना हुआ है। अब अगर बात करें कितने एटम है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारी बॉडी में इतने एटम है जिसको आप गिन भी नहीं सकते। अभी एटम क्या होता है, एटम एक गोल सी चीज है जिसके चारों तरफ आप देख रहे हैं जोड़ियों में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो घूमते रहता है। जब तक ये पैर में रहते हैं, जोड़ियों में रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही बहुत सारी चीजें बॉडी में होती है, मैं एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकती कि ये फ्री रेडिकल बनाता है। आप जब ज्यादा एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो भी बॉडी में फ्री रेडिकल बनता है, हमारी बॉडी में जब खाना भी पचता है या बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं उसमें भी बॉडी में फ्री रेडिकल बनता है, गाड़ी का धुआं बॉडी में आता है तो भी फ्री रेडिकल बनता है, मोबाइल का रेडिएशन बॉडी में आता है तो भी फ्री रेडिकल बनता है। मतलब बहुत सारे कारण से ये फ्री रेडिकल बनता है। लेकिन ये फ्री रेडिकल है क्या, ये एटम की जब एक जोड़ी टूट जाती है, जैसा आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे जो चीज है वो फ्री रेडिकल है, इधर जो एटम है उसकी जो जोड़ी है वो टूट गई है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हो गया, मतलब वो अकेला हो गया। अब ये जो चीज बन जाती है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। बात करें ये फ्री रेडिकल होते क्या है, फ्री रेडिकल ना एक तरीके के दुश्मन बन जाते हैं, ये आपकी बॉडी में जाते हैं, जो भी हेल्दी एटम होता है उसके पास जाते हैं और उसका भी एक इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। एक फ्री रेडिकल बना, दो बने, हजार बने, जब बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में बनने लगता है, उस साइकिल को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। बात करें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, मैं एक बुक पढ़ रही थी, जब आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो 95 ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगभग बहुत सारी बीमारियों का कारण है। कहते हैं कैंसर से लेकर आपको, अगर किडनी में प्रॉब्लम है आपको, स्किन का सिरोसिस का प्रॉब्लम है आपको, डायबिटीज का प्रॉब्लम है आपको, जोड़ों में दर्द है, हर एक बीमारी के कारण जो पीछे देखा जाता है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देखा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा 95 आप जिस भी चीज में देते हैं आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर आपको डायबिटीज के भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसका मतलब आपका जो पेनक्रियाज है, उसका जो सेल है, वहां जो एटम है, उसमें गड़बड़ी स्टार्ट हुई होगी और इसीलिए आगे चलकर प्रॉब्लम देखी जाती है। बात करें एक एग्जांपल से समझते हैं, आप एक एप्पल लेते हो, एप्पल को काटते हो, छोड़ देते हो, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो एप्पल काला हो जाता है, सेम काला हो जाता है, ये हम सब ने अपने घरों में देखा है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं, एप्पल को लीजिए, एक साइड पे थोड़ा सा लेमन जूस लगाइए, नींबू का रस लगाइए, दूसरे साइड पे कुछ भी मत लगाइए, जिधर आपने लेमन जूस लगाया है ना वो साइड जल्दी काला नहीं होगा और जिधर नहीं लगाया है वो काला हो जाएगा। यही हमारी बॉडी में होता है। हमारी जो स्किन है, हम यंग रहते हैं तो बहुत अच्छी रहती है, उसमें रिंकल्स नहीं होते हैं, झुर्रियां नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं हमारी स्किन पे झुर्रियां आने लगती है, हम बूढ़े दिखने लगते हैं। क्यों? हमारी बॉडी में हर सेकेंड ये फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है। जैसे लोहे में जंग लग जाना, ये क्या है, ये भी एक तरीके का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। बात करें हम इससे कैसे बच सकते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि तुलसी का पौधा लगाएंगे और मार्केट में घूमेंगे कि मुझे फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में ज्यादा होता है, फ्री रेडिकल जब ज्यादा बनते हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। और जब इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का कम हो जाता है, आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा सर्दी खांसी हो जाएगा, आपको कोई एलर्जी हो जाएगा, बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको वीकनेस लगेगी, कमजोरी लगेगी, जब हम इन्हीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देते तब जाकर बॉडी में कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस, अर्थराइटिस में बदल जाता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा, रात तक तो ठीक था, रात का खाना खाया, सुबह कैंसर हो गया। ये बीमारी एक दिन में नहीं होती, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे 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 ये बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो उसको कुछ दिन पहले से थोड़ा सा चेस्ट में पेन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या है,
बॉडी आपको लक्षण देता है, बॉडी आपको वार्न करता है। अगर आपको कहीं पे दर्द हो रहा है, ये बॉडी की वार्निंग है आपके लिए कि कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन हम जब छोटी प्रॉब्लम होती है तो ध्यान नहीं देते, यही प्रॉब्लम जब बड़ी हो जाती है तब जाकर हम दवाइयां खाते, एंटीबायोटिक खाते, कीमोथेरेपी करवाते, रेडिएशन के थ्रू जाते, ऑपरेशन करवाते, जिंदगी भर दवाइयां खाते या तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। यही सारी चीजें हम करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें माय डियर फ्रेंड, एक चीज है जिसको हम सब कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी एक चीज है, जब हम नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं तो हम उसमें एंटीवायरस डालते हैं। लेकिन अगर बात करें, जैसे आप कोई नया लैपटॉप ले रहे हो तो आप उसी समय एंटीवायरस डालते हो क्योंकि हमें पता है कि आगे चलकर वायरस आने वाला है। लेकिन हम एंटीऑक्सीडेंट या 95 कब लेते हैं, जब हमारी पूरी बैंड बच जाती है। इसीलिए अगर बात करें, अगर हम डे टू डे लाइफ में एंटीऑक्सीडेंट अपनी डेली लाइफ में ऐड करना स्टार्ट करें तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बॉडी में हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। किस तरीके से, आप ये फोटो देख रहे होंगे, राइट हैंड साइड पे जो आपकी फोटो है, एंटीऑक्सीडेंट के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उस फ्री रेडिकल, याद है जिसका जिसकी जोड़ी टूट गई थी, अनपेयर हो गया था, उसको एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देते हैं, उसकी पेयरिंग जो होती है वो कंप्लीट कर देते हैं। मतलब जितना बॉडी में फ्री रेडिकल बन रहा है, अगर आप उतने लेवल में एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे तो वो उसको बैलेंस कर देगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, मैं तो घर का ही खाना खाता था, मुझे बीमारी कैसे हो गई। आपके खाने में फ्रूट्स होने चाहिए, आदत डालिए, एटलीस्ट दिन में कम से कम 2 से 3 तरीके के फ्रूट्स आप खाइए। आपके खाने में हरी सब्जियां होनी चाहिए, ये आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। लेकिन अगर बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे भी है, कहते हैं अगर आपकी बॉडी में जितना फ्री रेडिकल बन रहा है, ये हर सेकेंड बन रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, उतनी मात्रा में अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेना स्टार्ट करोगे वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बीमारियां कब होती हैं, जब फ्री रेडिकल बढ़ने लगता है, एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है, तो जाके हमें बीमारियां होती हैं। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने क्या देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर में कोई फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं, ऐसी लाइफ है कि फ्रूट्स खाना लाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इसीलिए क्यों ना हम कोई ऐसा हेल्थ ड्रिंक निकाले जो हमें बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट का लेवल दे और बहुत सारी बीमारियों से बचाए। याद रखिएगा माय फ्रेंड, मैंने एक बार, मेरी एक बात हुई थी एक पर्सन से, उन्होंने मुझे बोला कि मैडम एक कंपनी है जो 1 लाख ओराक वैल्यू वाला प्रोडक्ट देती है, तो जब मैंने ये देखा कि मार्केट में 9 लाख ओराक वैल्यू वाला भी प्रोडक्ट है तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ। आपको पता है मैंने उनको क्या बोला कि मार्केट में जितना कंपनी देती है ना 1 लाख 2 लाख, उतना हम इधर ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपको पता है हमारा प्रोडक्ट जो हम बताते हैं 9 लाख, लेकिन ये एक्चुअल में देता है 10 लाख से ज्यादा ओराक वैल्यू। तो जितना दूसरी कंपनियां देती हैं हम यहाँ पे उतना छोड़ देते हैं। इसीलिए अगर बात करें, 95 को हम 9 लाख ओराक वैल्यू वाला प्रोडक्ट कहते हैं। ओराक वैल्यू क्या है ये समझिएगा, हम दूध को लीटर में नापते हैं, चावल को केजी में नापते हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट को ओराक वैल्यू में नापते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। जैसे आपने एक लाइन बहुत पहले सुनी होगी, एन एप्पल एवरी डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा आपको पता है क्यों बोला जाता था, कि पहले बोला जाता था ये जो एप्पल एक आप खाते हैं ना, एक एप्पल आपको 3000 ओराक वैल्यू देता है। अगर आप उसको उसके स्किन के साथ खा रहे, छिलके के साथ खा रहे, अगर आप स्किन हटा देते हैं तो 500 ओराक वैल्यू उधर ही कम हो जाता है। उस टाइम पे WHO एंड USA के FDA ने बोला था कि रोज हमें 3000 से 5000 ओराक वैल्यू लेना जरूरी है। क्यों बोला था, क्योंकि उस टाइम पे इतना पोल्यूशन नहीं था, मोबाइल का इतना रेडिएशन नहीं था, जिसकी वजह से ये बोला जाता था। अब इतना ज्यादा मोबाइल का रेडिएशन है, पोल्यूशन है, कि अब बोला जाता है 10,000 से भी ज्यादा अगर आप ओराक वैल्यू ले रहे हो, 10,000 से कम अगर ले रहे हो दिन भर में, तो उससे काम नहीं चलेगा। 10 से 20,000 ले रहे हो ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आपको 20,000 से ज्यादा ओराक वैल्यू देता है तो ही वो एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है, जो आप सुबह उठकर 95 का बस एक सैशे पानी में मिक्स करके पीते हैं, वो आपको 10 सेब खाने के बराबर, मतलब 30,000 से ज्यादा ओराक वैल्यू आपको एक सैशे हमारा 95 देता है। इतना हाईएस्ट ओराक वैल्यू देने वाला प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। बात करें,
ये हमें कैसे पता चला? हमें जो सर्टिफिकेट मिला है ब्रुंसिक लैबोरेटरी से, यूएसए से हमें ये सर्टिफिकेट मिला है, ये कहता है कि हम बताते कम है, हम बताते हैं डब्बे पे 9 लाख, लेकिन ये सर्टिफिकेट हमें कहता है कि ये 10 लाख से ज्यादा ओराक वैल्यू ये प्रोडक्ट आपको देता है। मतलब जो आप एक डब्बा 95 का लेकर लेते हैं, 1 लीटर का जो हमारा है, वो आपको 10 लाख से ज्यादा ओराक वैल्यू देता है। तो अगर आपने 1 महीने में भी ये लिया तो बहुत ज्यादा ओराक वैल्यू जब हमारी बॉडी में जाती है, और खास करके कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करती है। इसमें बहुत सारी चीजें डाली गई हैं। इसमें आंवला, नूनी, एलोवेरा, 13 kinds की बेरीज डाली गई है। और बात करें, इसमें ऐसी बहुत सारी बेरी है जो मार्केट में मिलती नहीं है, वो इंडिया में उगती भी नहीं है, उसको बाहर से लाया जाता है। जैसे बात करें, ऐसा आपको कॉम्बिनेशन मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के साथ नहीं मिलेगा। जैसे हमने इसमें असाई बेरी डाली है। असाई बेरी जो होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा हाई कर देता है, और इसमें बोला जाता है बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जो भी बेरीज है उससे बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है, आपके हार्ट को भी अच्छा करता है। गोजी बेरी, आपने उनके नीचे देखा होगा एक बुजुर्ग पर्सन की एक फोटो लगी हुई है, उन्होंने लाइफ टाइम गोजी बेरी खाया, और बोला जाता है उनकी जो लाइफ थी वो 256 years को भी क्रॉस कर, 256 years वो जिए थे, मतलब उनकी एज बहुत अच्छी थी। क्यों? लाइफ टाइम अगर आप गोजी बेरी खाते हैं तो आपकी उम्र अच्छा रहता है, आपकी लॉन्जिविटी जो आपकी उम्र होती है वो बढ़ती है। स्पर्म प्रोडक्शन, शुक्राणु प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में गोजी बेरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। किसी को कैंसर के, जैसे कैंसर के जो सेल्स है उसको कम करने में हेल्प करता है। और अगर कभी किसी ने कभी कीमोथेरेपी वगैरह करवाया है, उस समय बॉडी में बहुत ज्यादा रेडिएशन होते हैं, आपने देखा होगा जिनका भी ये सब होता है उनके बाल वगैरह झड़ जाते हैं, तो अगर उन्होंने कभी करवाया है तो उनको भी आप एज अ सप्लीमेंट ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, 200, 250, 300 के ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको 95 अवॉइड करना है। बात करें नोनी जो है, नोनी आपके डायरिया वगैरह पे अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपको यूरिन का इन्फेक्शन हो गया, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम है, नोनी उसमें भी हेल्प करता है, कैंसर की ग्रोथ को बचाता है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें बताता है कि जो नोनी है वो आपके हार्ट पे भी अच्छा काम करता है। एलोवेरा के ऊपर तो आपको खास बहुत सारी चीजें पता होंगी, एलोवेरा तो 200 तरीके की बीमारियों पे काम करता है। कहते हैं एलोवेरा एक वरदान जैसा है, आपकी स्किन को भी अच्छा करता है, डायबिटीज, अल्सर, बहुत सारी चीजों में काम करता है। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और किस किस चीजों पे ये लगभग हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है। स्ट्रॉबेरी अगर हार्ट का अटैक है या हार्ट स्ट्रोक का प्रॉब्लम है उस पर काम करता है। रेड ब्लड सेल्स, आपकी जो कुछ आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है, आपकी जो हेमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में मदद करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ब्लैकबेरी जो है आपको विटामिन सी और बी एंड के देता है। याद रखिएगा, लेडीज जो है ना वो एक अपने लाइफ में ऐड करे, इसको साल में 4-5 महीने तो मुझे लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ पैसे कमाओ और खुद पे खर्च करो, एटलीस्ट साल में 4-5 महीने आप इस प्रोडक्ट को जरूर लीजिए, लेडीज के लिए बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है। कहते हैं जो भी लेडीज आज शहरों में रह रही है, हर 10 में से 1 को कैंसर होने के चांसेस, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, तो लेडीज अपनी लाइफ में इसको जरूर ऐड करें। अगर किसी को रोमेटिज्म का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है, उस केस में आप 95 भी थोड़ा सा रिकमेंड कर सकते हैं। गाउट की अगर प्रॉब्लम है उसमें भी ब्लैक करंट का अच्छा आपको रिजल्ट देखा गया है, और बॉडी से जो टॉक्सिक चीज है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। एंटी एजिंग का भी काम करता है। अगर बात करें जब आप इसको लेते हैं तो आपकी स्किन अच्छी होती है, आप यंग महसूस करते हैं, एंटी एजिंग का भी काम करता है। बहुत सारे महंगे आजकल क्रीम आते हैं मार्केट में जो आप लगाते हैं, बोलते हैं इसको आपको यंग कर देगा। याद रखिएगा, लगाने से ज्यादा अगर आप खाएंगे, अगर आपके अंदर के ऑर्गन्स अच्छे हैं तो आपका वो स्किन पे अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो एंटी एजिंग का काम करता है, कैंसर के ग्रोथ को होने से बचाता है। क्रैनबेरी जो है उसके अस्थमा पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसको भी आयुष्वास के साथ भी थोड़ा सा आप इंक्लूड करके दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बेरीज इसमें हमने डाली है। रेड करंट जो है वो आपके डाइजेशन, अगर किसी को पाचन क्रिया सही नहीं है, उसका खाना नहीं पच रहा है, बहुत ज्यादा कब्ज का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा मांसपेशियों में दर्द रहता है, उस केस में रेड करंट बहुत अच्छा काम करता है। एल्डर बेरी जो है वो एक एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी देता है, वायरस से भी लड़ने में मदद करता है। जिनको हमेशा गले में खराश रहती है, सर्दी खांसी बहुत ज्यादा रहती है, उसमें एल्डर बेरी बहुत अच्छा काम करता है, वो भी आपके कफ को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने इसमें डाली है वो है आंवला।
आंवला हम सबको पता है विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है, और विटामिन सी हमारी बॉडी में इतने सारे काम करता है ना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में हमने आंवले का यूज किया है, क्योंकि आंवला बहुत सारी चीजों में काम करता है। अब बात करें 95 के बारे में, तो 95 में कुछ चीजें आपको ध्यान से समझनी है, वो क्या है, इसके कुछ डोजेस पे आपको ध्यान देना है, और अभी मैं आपको 4 से 5 पॉइंट्स बताऊंगी, उस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले, अगर आप हेल्दी पर्सन है, आपको कोई इश्यू नहीं है, आप प्रिवेंशन के लिए 95 ले रहे हैं, तो आप एक सैशे भी लेंगे दिन में तो चलेगा। सुबह उठे 95 को खाली पेट आपको एक सैशे लेना है, सुबह उठे कांच के ग्लास में। 5 पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहला, 95 को जब भी लेना है खाली पेट सुबह सुबह आप ले सकते हैं, 95 को जब भी लीजिए कांच के ग्लास में लीजिए, 95 को जब भी लीजिए नॉर्मल पानी में लीजिए, कोई ज्यादा ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी में आपको 95 लेना है। 95 को जब भी लीजिए सिप सिप करके पीजिए, धीरे धीरे करके पीजिए। कुछ लोग तुरंत पी जाते हैं उसको घोला और तुरंत पी गए, देखिए जब आप सिप सिप करके पीते हैं और खासकर सुबह पीते हैं, तो सुबह का जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है लार्ज जिसको हम कहते हैं, वो जब 95 के साथ मिक्स होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे आयुर्वेद में भी बोला जाता है पानी को घुट घुट करके पियो, क्योंकि मुंह में जो सलाइवा होता है 95 के साथ जब मिलता है अंदर जाता है, हम सबको पता है पेट में एसिड होता है और जो आपका सलाइवा होता है वो अल्कलाइन होता है, तो दोनों जब मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए जब भी आप 95 ले धीरे धीरे पिए, 5 से 7 मिनट 95 को इज्जत के साथ आपको पीना है, तो 95 को आपको इस तरीके से लेना है। अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है तो आपको दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह आप 95 खाली पेट ले लीजिए और रात में आप 95 जो है वो आप, जैसे अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे आपने 95 लिया, 9 बजे तक आपने डिनर कर लिया, 10 बजे सो लिया, और सुबह में जब आप 95 लेते हैं तो 15-20-25 मिनट के बाद कुछ खा लीजिए, उसके बाद आप कुछ खा लीजिए। बात करें, अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैडम अगर कोई थायराइड की दवा ले रहा है तो कैसे लेना है, तो पहले आप अपनी थायराइड की मेडिसिन खाली पेट वाली ले लीजिए, उसके बाद ही आपको 95 लेना है। तो ये कुछ थोड़े प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर हम बात करें प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर के लिए, ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को हमें नहीं देना है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है कि अरे ये जो प्रोडक्ट है ये तो हम बहुत अच्छा है, इसमें ये न्यूट्रिशन है तो प्रेग्नेंट लेडीज को देंगे, बट कभी कभी कुछ लेडीज में, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम ये प्रेग्नेंट लेडीज को क्यों नहीं दे सकते, इसमें हमने 13 टाइप की बेरीज डाली है, कुछ बेरी का इंडिया में होती भी नहीं है, तो हो सकता है कि कभी कोई चीज पहली बार बॉडी में जाए तो बॉडी रिएक्ट कर सके, तो प्रेग्नेंट लेडीज में हम ये रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम ये कहते हैं कि अभी आप ये जो प्रोडक्ट है उसको अवॉइड करें। जरूरी नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बट कुछ प्रॉब्लम आए नहीं, इसलिए हम कुछ केसेस में कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को अवॉइड करना है। दूसरी चीज, जो बच्चे बहुत छोटे हैं, 14-15 साल से छोटे बच्चों को हमें ये प्रोडक्ट नहीं देना है। आपको अगर ये देना, आपको अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट देना है तो आप स्पिरुलिना गोल्ड छोटे बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं 5 साल के ऊपर, बट छोटे बच्चों को आपको 95 नहीं देना है, तो ये चीज याद रखिएगा, 14-15 साल के नीचे बच्चों को हमें ये नहीं देना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज पे ध्यान दीजिएगा, अगर कभी कोई आपको बोलता है कि 95 लेने के बाद मुझे थोड़ा रैशेज हो गए, खुजली होने लगी, इचिंग होने लगी, लूज मोशन हो गया, हल्की खट्टी डकारें आने लगी, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप कभी भी टेंशन मत लीजिएगा कि 95 लिया तो ऐसा इश्यू हो गया। ये कभी कुछ लोगों में ऐसा कुछ हो सकता है, ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है, जब भी कोई चीज फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में जाती है तो कभी कभी बॉडी उस पर रिएक्ट करता है, इसीलिए कभी किसी में ऐसा अगर प्रॉब्लम हो तो आप उनको बोल सकते हैं 24 घंटे के अंदर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो बॉडी उस पे आप एक हफ्ते का गैप कर दीजिए, एक हफ्ते के बाद फिर से 95 लेना स्टार्ट करिए। मैं आपको एक सिंपल चीज से समझाती हूँ, जब भी आप, जैसे घर में हम दिवाली की सफाई करते हैं तो कभी कभी कुछ जगहों पे चूहे छुपे होते हैं, मच्छर छुपे होते हैं, बहुत सालों से हमने सफाई नहीं की होती है, तो जो हम सफाई करते हैं तो चूहे मच्छर निकल आते हैं तो थोड़ा तकलीफ देते हैं। जब आप 95 लेते हैं बॉडी सेल्फ क्लीनिंग मोड पे भी जाता है, 95 बहुत सारी चीजों में काम करता है, तो कुछ लोगों में ऐसा इश्यू हो सकता है, तो कभी आप इसको स्ट्रेस मत लीजिएगा कि ऐसा किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी हो रही है, कभी ऐसा कुछ इश्यू नहीं होगा। कभी भी हो, एक हफ्ते का गैप करके फिर से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसका हमारा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। याद रखिएगा, साइड इफेक्ट नहीं है तभी ये प्रोडक्ट हमारे, आप लोगों को हमारी कंपनी लेकर आई है। अगर कुछ साइड इफेक्ट होता तो कुछ इसके लिए और गाइडलाइंस होते, लेकिन अगर आप तक ये प्रोडक्ट लेकर आई है तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बिंदास जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं।
तो ये हमारी कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बिकता है, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अगर हम बात करें एमआई लाइफस्टाइल का। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आज इंडिया में जो भी प्रीमियम एंटीऑक्सिडेंट ड्रिंक आज बिक रहे हैं, जो भी एंटीऑक्सिडेंट ड्रिंक मार्केट में बिक रहे हैं, उन सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट सेलिंग एंटीऑक्सिडेंट ड्रिंक है वो हमारा 95 बन चुका है। तो हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है कि हम ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जा रहे हैं। मुझे एक बार एक सर ने बोला कि मैडम जब ये प्रोडक्ट स्टार्टिंग में आया था तो हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, तो हमें लगता था ये खरीदेगा कौन। आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इतने खुश है इस प्रोडक्ट से कि किसी को बताने जाते तो इतना बताते कि सामने वाले को लगता है कहीं मैं नहीं पीऊंगा तो मर तो नहीं जाऊंगा। इसीलिए अगर बात करें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में इसको जरूर इंक्लूड करें। और एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपने 4-5 महीने 95 लिया है ना, तो आप उसके बाद गैप कर सकते हैं। आप चाहे तो अगले साल भी ले सकते हैं, कुछ महीनों के बाद ले सकते हैं। अगर आप हेल्दी पर्सन है, आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो थोड़ा सा गैप कर दीजिए। कभी भी किसी चीज की हमें आदत नहीं लगनी चाहिए, तो इस तरीके से हमें 95 लेना है। हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और लास्ट में बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो ई कॉमर्स साइट पर अवेलेबल है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, उसको बहुत सस्ते रेट में कुछ लोग उसको वहां पे प्रमोट कर रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें। और अगर कोई वहां से वो प्रोडक्ट खरीदता है तो कंपनी उसकी कोई गारंटी नहीं लेती है, वो एक्सपायर्ड हो सकते हैं, वो फेक हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जब भी कोई कंपनी अच्छा ग्रोथ करती है तो उसके फेक प्रोडक्ट भी मार्केट में आ जाते हैं, तो हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। आपको ये प्रोडक्ट्स कहां से मिलेंगे, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो आज इंडिया में है एंटीऑक्सिडेंट का, ये प्रोडक्ट आपको कहां से मिलेगा? हमारे बहुत सारे इंडिया शॉपी के आउटलेट्स हैं जो आपको ऑल ओवर इंडिया में हर जगह मिल जाएंगे। तो जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया है, आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है, आप उनसे पूछिए, वो आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल अच्छे प्रोडक्ट्स आपको लाकर ये देंगे।